फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स ने लोगों की उत्सुकता को काफी बढ़ा दिया है। लोग साल 1990 में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए दर्दनाक हादसों और पलायन की सच्चाई को जान पा रहे हैं और इसके बारे में ये भी जानने की इच्छा रखते हैं। फिल्म में हूबहू घटनाओं को दर्शाया गया है, जिसको देखने के बाद फिल्म से जुड़े लोगों की आंखें नम हो जाती है। फिल्म में सभी अभिनेताओं ने अपने अपने किरदारों को बखूबी निभाए हैं। अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आपको पता ही होगा कि इसमें अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन रावल, पुनीत ईश्वर, चिन्मय मांडलेकर, प्रकाश बेलावाड़ी और अतुल श्रीवास्तव जैसे दिग्गज कलाकारों ने अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। फिल्म में एक ऐसा ही किरदार है एक्ट्रेस पल्लवी ज्योति का। फिल्म में उन्होंने राधिका मेनन का किरदार निभाया है, जो JNU की प्रोफेसर है। साथ ही आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फिल्म की किरदार राधिका मेनन असल जिंदगी में भी JNU में पॉलिटिक्स साइंस पढ़ाने वाली प्रोफेसर निवेदिता मेनन पर आधारित है। फिल्म में उनका किरदार JNU स्टूडेंट को कश्मीर की आज़ादी के लिए भड़काता नजर आता है। साथ ही फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि फाइल से मुख्य भूमिका कृष्णा पंडित को ब्रेन वॉश करने में राधिका मेनन अपना पूरा दम लगा देती है। वे उसका संपर्क आतंकी बिट्टा कराटे से कराती है, जो JKLF के प्रमुख फारूक अहमद डार पर आधारित है। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2016 में JNU की असल प्रोफेसर निवेदिता मेनन ने JNU छात्रों के बीच एक भाषण दिया था, जिस पर अच्छा खासा विवाद हुआ था। उस भाषण को फिल्म में काफ़ी प्रमुखता के साथ दिखाया गया है। अगर आप इनके बारे में JNU की वेबसाइट पर जाकर पढ़ते हैं तो वहाँ प्रोफेसर निवेदिता मेनन के बारे में बताया गया है कि वह पॉलिटिकल थियरी, फेमिनिस्ट थियरी और इंडियन पॉलिटिक्स में स्पेशलाइजेशन रखती है। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ाने वाली निवेदिता की एजुकेशन सेंटर में अपनी पहचान है। शुरुआत से प्रोफेसर निवेदिता के विचार काफ़ी विवादित रहे हैं। उन पर हर बार भारत और हिंदू विरोधी विचार रखने का आरोप लगते रहे हैं। साल 2016 में JNU के अंदर काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिस दौरान निवेदिता मेनन ने राष्ट्रवादी सिद्धांतों और भारतीय संघ में कश्मीर के शामिल होने पर भाषण दिया। अपने भाषण में निवेदिता ने कहा था, भारत ने कश्मीर पर अवैध कब्जा कर रखा है। इतना ही नहीं, निवेदिता मेनन के इस भाषण को लेकर ABBP के एक नेता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। मामला बढ़ने पर निवेदिता ने सफाई में कहा कि उन्होंने कोई देश विरोधी नारे नहीं लगाए थे। बता दें कि देश के कई राज्यों में द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री घोषित कर दिया गया। PM मोदी ने भी कहा है कि द कश्मीर फाइल जैसी और फिल्में बनाने की जरूरत है, ताकि लोग सच्चाई जान सकें।